ऐसे अजीब पोज में स्टैचू कर दिया कि शरीर दुखने लगा है। ओए मैं गिर जाऊंगा। भतीजे ओए अब ओवर भी बोल दे। ओके चाचू ओवर। चाचा भतीजा मेरा नया आविष्कार भी तुम्हारे इस स्टैचू गेम की तरह ही मजेदार है। मेरा नया स्टार्ट स्टॉप रिमोट कंट्रोल जो कोई भी चलती हुई चीज को रुका सकता है और रुकी हुई चीज को चला सकता है। ओए क्या मतलब? अब देखो मेरा रिमोट कंट्रोल क्या करता है। हेलो दोस्त, दोस्त घर नहीं चलना क्या? वाह खोजी अंकल, क्या अनोखा आविष्कार है। बहादुर तने कितनी बार कहा है ब्रेक जरा धीरे लगा। हमेशा मेरा मेकअप खराब करने की हरकतें करता रहता है। पर मैडम जी मैंने तो ब्रेक लगाया ही नहीं। ओए ब्रेक बहादुर ने नहीं खोजी के इस नए रिमोट कंट्रोल आविष्कार ने लगाया। ये किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकती है और रुकी हुई चीज को चला सकती है। जैसे कि आपकी जीप को रोक कर इस पप्पी को बचा लिया है। फिर तो ये बड़े काम का आविष्कार हुआ। मैं जीप में बैठे आराम से अपना मेकअप संवारती रहूंगी और भागते हुए चोर बदमाशों को इस रिमोट से रोक लूंगी। खोजी सिंह जी मैं तो कहती हूँ कि ये रिमोट कंट्रोल आप पुलिस डिपार्टमेंट को ही दे दो। बंदूकनी जी आप ही के लिए तो बनाया है, ये लीजिए। ओ रोजे, क्या तुमने सुना? एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जो चलती हुई चीज को रोक सकता है, ये तो मेरे बड़े काम का है। मैं उन सारे लोगों को रोक दूंगा जो मुझे चोरी करने से रोकना चाहते हैं। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। हिचका हिचका। यूकी तो फिर चलो रिमोट ले आते हैं, देर किस बात की। रिमोट कहाँ गया? वो देखिए जोगावर और रोजी रिमोट कंट्रोल को चुरा कर भाग रहे हैं। जोगावर मेरे इंजन की कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालो। निकाल निकाल जल्दी निकाल। वो देखो हमारे आगे एक लंबी ट्रक चल रही है जिस पर गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तुम अपने रिमोट कंट्रोल से इन सारी रुकी हुई गाड़ियों को चला दो, हम आगे निकल जाएंगे और ये गाड़ियाँ इन सबका रास्ता रोक देंगी। हिचकिया, क्या आइडिया निकाला है रोजे, वेरी गुड। बहादुर ब्रेक लगाओ। ओए बंदूकनी जी, ओए आप ठीक तो हैं? और चाचे मैं तो ठीक हूँ, तू आगे देख। ओए ये क्या, ओए यहाँ तो गाड़ियों की बारिश हो रही है। हिचका हिचका, क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। ओए ये परमिंदर जी का पुतला कब से लग गया फंटूश नगर में? ओ चाचू ये पम्मी आंटी का पुतला नहीं, खुद पम्मी आंटी है। जोगावर ने इन्हें फ्रीज कर दिया है और इनके सारे गहने भी चुरा ले गया। वहाँ देखिए जोगावर ने मिमिक्री अंकल और शहर के और लोगों को भी फ्रीज कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई म्यूजियम में आ गया हो जहाँ लोगों के पुतले लगे हुए हैं। मैं इस जोगावर को छोड़ूंगी नहीं। नहीं बंदूकनी जी, जोगावर के सामने जाना खतरे से खाली नहीं, वो हम सबको फ्रीज कर सकता है। पहले हमें इन सारे लोगों को वापस ठीक करना होगा। आप सब यही रुकिए, मेरे पास एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। जोगावर हिम्मत है तो मुझे फ्रीज करके दिखा। हमेशा तू ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है भतीजे, तुझे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है।
चल गया। आओ, ये क्या हो गया? मैं भतीजे को स्टॉप करने गया था, पर ये सारे स्टार्ट कैसे हो गए? जुगावर, भतीजा तुम्हें एक बार फिर से बुद्धू बना गया। हाँ। ये लो, जल्दी से इन बैंड्स को अपने हाथों पर पहन लो, फिर उस रिमोट कंट्रोल का तुम पर कोई असर नहीं होगा। पहन लो। इब की बार यो जोगावर मेरी लात से बच ना पाएगा। नहीं बंदूकनी जी, हम जोगावर के पास नहीं, वो हमारे पास आएगा। उसे पता नहीं कि हमारे पास ये बैंड्स हैं। जब वो हम पर रिमोट कंट्रोल चलाएगा तो हम ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे हम फ्रीज हो गए। जब जोगावर हमारे पास आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। क्यों चाचू? ओए वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। थक टक, अब बचकर कहाँ जाओगे तुम साहब? ये मैंने कौन सा पोज ले लिया? पीठ पर खुजली हो रही है और मेरा हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा, अब क्या करूं? चाचा का हाथ हिला, यानी ये सब नाटक है। जोगावर के साथ चीटिंग, मैं तो चला। ओ, चाचू तो सच में स्टैचू बन गए हैं। ये भतीजे की हैट हमेशा फंसाती है, इसे हमेशा के लिए रोक देता हूँ। चाचू आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे के रहते चाचा को कुछ हो सकता है। ये बैंड वापस अपने हाथ पे पहन लेता हूँ। इस बैंड के रहते वो रिमोट कंट्रोल मुझे कभी फ्रीज नहीं कर सकता। अरे बहुत खेल लिया स्टैचू, इब बारी है मेरे लात की। जुगावर ये देखो, इन सब ने अपने हाथ पर कुछ बैंड्स पहन रखे हैं। इन बैंड्स की वजह से उन पर रिमोट कंट्रोल का कोई असर नहीं हो रहा। आओ रोज़, यू आर राइट, अब तुम्हें कुछ आइडिया निकालो। ये हुई ना बात। वेरी गुड रोज़, तुम बहुत स्मार्ट हो। वो तुम्हें हुई। रोज़ी ने हमारे बैंड्स छीन लिए। आइडिया, ये राउंड तो तुम जीत गए जोगावर, पर फाइनल राउंड तो मैं ही जीतूंगा। इस बार तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। जोगावर प्लीज मुझे जाने दो। अब तुम जिंदगी भर एक पुतला बनकर रहना। पतीजे के होते किसी को कुछ नहीं हो सकता। बहादुर, जोगावर के पुतले को जीप में लोड करो। अभी लो मैडम जी। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हो पतीजा। क्या हुआ चाचू? ये पैन का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश मेरी भी कोई पैन होती जो मेरी कलाई पर राखी बांधती और मैं फिर उसे वादा करता कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। चाचू
जरा स्कूटर रोकना, मुझे कुछ काम याद आ गया। ढोलकी, भागते भागते मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। चिंचे, इस मोती को पाने के लिए तो दुनिया भाग रही है, आप इतना नहीं भाग सकते। ओ चिंचे, ये क्या कर दिया? मोती तो उस राखी की दुकान में चला गया। ओ, लगता है किसी राखी का डेकोरेशन वाला मोती लूज हो गया। इसे अच्छे से राखी पर बांध देता हूँ ताकि ये फिर से ना खुले। भैया, कोई स्पेशल वाली राखी दिखाना। हमारी सारी राखियाँ स्पेशल ही है जी, कोई भी ले लो। ये मोती वाली राखी मुझे बहुत पसंद आई, मुझे ये दे दो। चिंचे, हमारा मोती तो उस राखी पर लगा हुआ है जो भतीजा अपने साथ लेकर जा रहा है। ये भतीजा हमेशा कुछ गड़बड़ करता है, अब क्या करें? ओए भतीजे, तेरे चाचा कब से उदास बैठे हैं? कहते हैं कि काश मेरी कोई बहन होती जो कि मुझे राखी बांधती। ओहो, यू फिकर नॉट चाची, मैंने चाचू की बहन का बंदोबस्त कर दिया है। क्या? जियो मेरे पुत्र, क्या आइडिया लगाया है भतीजे? भतीजे के होते चाचा कभी उदास नहीं हो सकता है। अच्छा सुनते हो जी, ये देखो आपके लिए कुरियर आया है, आपकी दूर की बहन पप्पल का। हे राखी, डिग लग लग डिग डिग। ओए, पर मेरी बहन भूख कब पैदा हो गई? आप पप्पल दीदी को भूल गए? आए हाय। अरे वही चाचू, आपकी ताऊजी के पिताजी के भांजे की बेटी। ओए पप्पल, हाँ वो शायद वो टिम्बकटू वाली बहन होगी। हाँ चाचू, वही वाली। ओए आखिर मेरा सपना सच हो गया, मेरी बहन ने मुझे राखी भेजी। डिंग डिंग डिंग, इतनी सुंदर राखी। ओए आज मैं कितना खुश हूँ, मैं सबको अपनी राखी दिखाऊंगा। बल्ले बल्ले बल्ले। वो देखो जिज्जे, हमारा मोती चाचा की राखी में लगा है। मेरी राखी आई। ओए चाचे, अपनी राखी हमारे हवाले कर दे। क्या, मेरी राखी? मेरी इकलौती बहन ने भेजी हुई राखी जो कितने ही पहाड़ और समंदर पार करके मेरे पास आई है, वो मैं तुम्हें दे दूं? कभी नहीं। चाचू, आपने तो कमाल ही कर दिया। ओए, कोई मुझसे मेरी बहन की राखी दूर नहीं कर सकता। मैंने चाचा का ऐसा शक्तिशाली रूप आज तक नहीं देखा। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा चाचा से राखी छीन लेने के लिए। ओए भाई साहब, हमारे गुड लक स्टॉल पर आकर अपना लक आजमाइए। ओए गुड लक, कैसा गुड लक भाई? आपको बस हमारे स्टॉल पर आकर टग ऑफ वॉर गेम खेलना है जी। अगर आप जीतते तो आप इनमें से कोई भी गिफ्ट ले जा सकते हैं अपनी बहन के लिए। ये रक्षा बंधन स्पेशल ऑफर है जी। ओए भतीजे, ये तो बहुत अच्छा गेम है। रक्षा बंधन के अवसर पर मुझे अपनी बहन पप्पल के लिए एक गिफ्ट लेना है, मैं भी ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ जी। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पता लगाना होगा। चिंचे, इमोशन में बह मत जाओ, आपको सिर्फ राखी पर फोकस करना है, गेम जीतने पर नहीं। फोकस फोकस, राखी मोती। मैं तो भूल ही गया था। हाँ? राखी मोती। ओह।
ओए मैं जीत गया। अरे चाचू, आप यहाँ गेम जीतने की खुशी मना रहे हो, वहाँ डंका ढोलकी ने आपकी राखी चुरा ली जिस पर वो मोती। ओए मेरी राखी चुराई? मेरी इकलौती बहन पप्पल की भेजी हुई राखी, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए 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 पकड़ो उन्हें। ओए भाग जीजे भाग। ओए रुक जा राखी चोर। बहादुर जीप घुमा, मन ने राखी चोरों से सख्त नफरत है, इन डंका ढोलकी को तो पकड़ना ही होगा। चाचा जी कुछ दिख ना रहा सामने से। अरे चाचा भतीजा कहाँ बैठ गए, आगे रास्ता दिखाई ना दे रहा। और चाचे यो भी कोई बैठने की जगह है, जीप अंदर खाली पड़ी और तुम दोनों बोनट पर बैठे हो हैं? वो इतना वक्त नहीं है कि जीप रोके और अंदर आके बैठे, और कहीं वो राखी चोर डंका ढोलकी मेरे हाथ से निकल ना जाए। बहादुर बोरे ठीक है, अब देखो कैसे उन्हें पकड़ता हूँ। इन दोनों ने मेरी इकलौती राखी चुराई है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आपकी एक ही राखी चुराई, मेरी तो पूरी दुकान ही ले गए। ये मेरी राखी नहीं है, ये भी नहीं है। ये ले। हेलो डंका अंकल। ओए मेरी राखी वापस कर राखी चोर। अरे और यो तो वही मोती है जो ये दोनों आज सुबह चोरी करके भागे थे, आखिर वापस मिल ही गया मोती। ओए ये क्या किया बंदूकड़ी जी, और मेरी इकलौती बहन पप्पल की भेजी हुई राखी के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सॉरी चाचू, ये राखी किसी पप्पल ने नहीं, मैंने ही आपको भेजी थी, क्योंकि मैं आपको आज सुबह उदास नहीं देख पाया, इसलिए आपको खुश करने के लिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो चाचू। चाचू मैंने कहा ना गलती हो गई, माफ भी कर दो। ओ भतीजे अब मैं रो नहीं रहा, ये तो एक्चुअली ना मेरे खुशी के आंसू है, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। सच ही है ओए भतीजे के होते वो चाचा कभी उदास हो सकता है। ओ चाचा भतीजा का प्यार देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। रब बहादुर रोना बंद कर और जीप निकाल, इन राखी चोरों को जेल भी तो ले जाना है। ये